नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर के बारे में। रेल विकास निगम शेयर एक बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला शेयर है। यह आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देगा और इस शेयर में आप इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हम अगर RVNL की बात करें तो इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और ये प्रोवाइड वीटल पोर्ट लिंकेज इंक्लूडिंग द कॉरिडोर कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ हिंडरलैंड्स। मतलब ये सारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 4600 करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस 22 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 10 रुपये का इसका 52 वीक लो था और इसका 29 रुपये 30 पैसे का इसका हाई था 52 वीक। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 21.5 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। अगर इसका स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो ये लगभग 5.83 का है और ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30% से इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है और इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसकी पॉजिटिव आउटकम्स और आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड मतलब क्वांटिटी में ये ट्रेड हो रहा है, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है और इसमें डिलीवरी भी लगभग 30% के ऊपर में ये डिलीवरी भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं इस शेयर के लिए। हम आपको टारगेट के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता दें। प्रमोटर के पास लगभग 87.84% स्टेक है, FII के पास 0.40 स्टेक है, DII के पास 2.28 स्टेक है और पब्लिक के पास 9.48 स्टेक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितने ज़्यादा शेयर होल्डिंग में रखे हुए हैं। यह गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और हाल में इसे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है नोएडा के पास, जो एक नया रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ इन्हें फिर से एक नया ऑर्डर मिला है। तो ये भी इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है जो पिछले क्वार्टर्स का, ये बहुत ही अच्छा करते आ रही है और इसमें बहुत ही क्षमता है अपने आप को डबल करने का। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 32% का है, 3 साल में 30% का है और TTM से करें तो 22% का है। और इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में लगभग 29% का है और 3 साल में 25% का इसका सेल्स ग्रोथ है। और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 5 साल में 12% का है, 3 साल में लगभग 14% का है और पिछले साल की तुलना की जाए तो लगभग 17% का इसका इक्विटी ग्रोथ है। अगर इस कंपनी की पॉजिटिव की बात करें तो यह स्टॉक इसके बुक वैल्यू से 1.0 टाइम से ट्रेड कर रहा है और जो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में भी लगभग 30% से है। और जो कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, इसका जो डिविडेंड देने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर फंडामेंटली की बात करें तो ये फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका बेस भी बहुत ही अच्छा है। यह आने वाले समय में आपको आराम से 35 रुपये का टारगेट दे सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वे में है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। यह बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक है, इस कंपनी पे ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, आपको यह 35 रुपये का टारगेट आराम से दे सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।